अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियोज आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस चैनल पर मैं इंग्लिश बहुत ही ईजी वे में सिखाता हूँ, एक स्ट्रक्चर बताता हूँ और उससे आप हज़ारों सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं बीच में वीडियो के बीच में बहुत सारे सेंटेंसेस के द्वारा प्रैक्टिस भी करवाता हूँ हिंदी टू इंग्लिश, ओके, ट्रांसलेशन करके। फिर अंत में घर पर प्रैक्टिस करने के लिए मैं बहुत सारे सेंटेंसेस भी देता हूँ और उन सेंटेंसेस का आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ओके फ्रेंड्स, ताकि आप चेक करके ये पता कर सके आपने कितना सही बनाया है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं पिछले क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये रहे, अगर आपने बनाया है तो इनसे मैच कर लीजिए, अगर कहीं पर गलती है तो उसको आप सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, बहुत ही इजी टेंस है। जैसा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपने पढ़ा है, सेम चीज़ है, बस फर्क है तो हेल्पिंग वर्ब का उसमें क्या लगाते थे, हैज हैव, और इसमें लगाते हैं हैड। ओके फ्रेंड्स, बस यही फ़र्क है, माइनर फर्क है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बहुत ईजी है। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। जैसा कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को अगर पहचानते हैं अच्छी तरह से, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को भी आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें था थे थी रहता है और उसमें है हूँ हो रहता है, बस। फिर भी मैं एक बार आपको कन्फर्मेशन के लिए आपको बता दूँ कि इसमें ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे ऐसा भी आ सकता है, या रहा था, रहे थे, रही थी, सिर्फ ऐसा भी रह सकता है, लेकिन उसमें टाइम दिया होता है। ओके फ्रेंड्स, टाइम ऑफ पीरियड रहता है उसमें, तभी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, वरना वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे वो खा रहा था, सिर्फ हम अगर इतना ही बोलते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, अगर वो 2 घंटों से खा रहा था ऐसा हम बोल दें तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं इसमें, इसके पहचान के यही नियम है। ओके, अगर अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहे, तो वो सेंटेंस टाइम और पीरियड के साथ रहेगा, उसमें टाइम दिया रहेगा। अगर ता था, ता रहा था, ता रहे थे, ता रही थी ऐसा रहेगा, तो उसमें टाइम नहीं भी दिया हो तो भी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ओके, जैसे वो तैरता रहा था, तो मीन्स कंटिन्यूसली वो काम करता रहा था, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बनाने के नियम क्या है, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी आई एन जी, यानी कि वर्ब के साथ आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स जो समय दिया रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसी स्ट्रक्चर के बेस पर इन सेंटेंसेस को बनाते हुए चलते हैं। वह सिगरेट पीता रहा था, पीता रहा था मतलब वो कोई भी काम कंटिन्यूसली लंबे समय तक करते रहते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो वह सिगरेट पीता रहा था, इसमें टाइम नहीं दिया फिर भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही कहलाएगा। ही हैड बीन स्मोकिंग, वे लोग 2 बजे से उस नदी में नहा रहे थे। तो यहाँ पर समय दिया है, नहा रहे थे, रहे थे, अगर समय नहीं दिया होता तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता, जैसे वे लोग उस नदी में नहा रहे थे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। इसमें समय दे दिया है कि 2 बजे से, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं रह के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, दे हैड बीन टेकिंग बाथ इन दैट रिवर 2 बजे से है,
तो सिंस 2 o'clock, ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस 4 का टेबल आपको दिखाया था बहुत ही अच्छी तरह से, ओके फ्रेंड्स। फिर भी अगर आपको, आप नए हैं तो ये स्क्रीन पर रहा ये टेबल, इस टेबल को आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि सिंस और फॉर कहाँ कहाँ लगता है। बहुत इजी है, एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जब भी कोई परफेक्ट टाइम दिया हो, जैसे बजे से है, यानी कि 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, या दिन का नाम दिया हो, सोमवार से, मंगलवार से, या महीनों का नाम दिया हो, मार्च से, फरवरी से, या साल का नाम दिया हो कि 2018 से, 2014 से, इस तरह से परफेक्ट टाइम इसको बोलते हैं, तो उसमें सिंस लगेगा। फिर बचपन से, जवानी से, शाम से, सुबह से, इस तरह का सेंटेंस होता है उसमें भी हम सिंस ही लगाते हैं। उसके अलावा जितने भी आते हैं कि कुछ देर से, कुछ घंटों से, कुछ दिनों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, उसमें परफेक्ट टाइमिंग नहीं दिया है, बस दिन या समय कि बहुत लंबे समय से, सालों से, कुछ सालों से, 2 सालों से, ऐसा रहे बिना किसी का नाम दिए हुए, यानी कि सिर्फ साल बोला जाएगा, दिन बोला जाएगा, लेकिन दिन का नाम नहीं होगा, वो फॉर आएगा उसमें, ओके फ्रेंड्स। तो आपने अभी टेबल से समझ ही लिया होगा कि क्या है सिंस और फॉर का जो फॉर्मूला है, क्या है, कहाँ पर लगाते हैं। तो चलिए बनाते चलते हैं। तुम्हारा भाई कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। योर ब्रदर हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर सम डेज। यहाँ पर कुछ दिनों से है, मैंने अभी बताया कि दिन का नाम होगा तो सिंस, लेकिन सिर्फ दिन रहेगा कुछ दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, तो वहाँ पर फॉर। तो हो गया योर ब्रदर हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर सम डेज। क्या तुम 4 सालों तक टीचर रहे थे? हैड यू बीन टीचर फॉर 4 years? तुम कब से इस शहर में रह रहे थे? तो जब भी कब से आएगा, कब से, तो सिंस वेन पहले ही आप लगा देने का। सिंस वेन, कब से, मतलब सिंस वेन, आने वाला फ्यूचर नहीं, पास्ट की बात अगर कब से हो तो, पास्ट की बात जो बीत गई बात, उसकी अगर हम कब से बात कर रहे हैं कि कब से ये हो रहा था, कब से तुम वहाँ रह रहे थे, कब से कर रहे थे, तो उसमें सिंस वेन पहले ही लगा देना है। तो हो जाएगा सिंस वेन हैड यू बीन लिविंग इन दिस सिटी। राजू शनिवार से उस घर पर जा रहा था। राजू हैड बीन गोइंग टू दैट हाउस सिंस सैटरडे। यहाँ पर दिन का नाम दिया है सैटरडे, इसलिए यहाँ पर सिंस लगेगा, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस। बच्चे उस मैदान में 2014 से क्रिकेट खेल रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन दैट ग्राउंड सिंस 2005. तुम्हारी गाय मेरे खेत में 2 घंटों से घास चर रही थी। योर काउ हैड बीन ग्रेजिंग ग्रास इन माई फार्म फॉर 2 hours. तुम कल से मुझे परेशान कर रहे थे। यू हैड बीन ट्रेवलिंग मी सिंस yesterday. मैं बचपन से कार चलाना सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग हाउ टू ड्राइव कार सिंस चाइल्डहुड। क्या तुम 2 सालों से उस स्कूल में पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल फॉर 2 years? क्या तुम्हारे पिताजी 1 हफ्ते से मुंबई जा रहे थे? हैड योर फादर गोइंग टू मुंबई फॉर 1 week? मैं 2 महीनों से यह काम कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 months. वह सुबह से संगीत की अभ्यास कर रहा था। ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग ऑफ म्यूजिक सिंस मॉर्निंग। वे लोग कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे। दे हैड बीन फॉलोइंग मी फॉर सम डेज। वह 10 सालों से टीचर था। He had been a teacher for 10 years. वह गाता रहा था। He had been singing. तुम जाते रहे थे। You had been going. वे लोग मुझे देखते रहे थे। They had been watching me. या they had been
लुकिंग एट मी। बिल्ली 2 घंटों से चूहे के लिए यहाँ बैठी थी। द कैट हैड बीन सिटिंग हियर फॉर रैट फॉर 2 आवर्स। तुम उसे कुछ दिनों से क्यों परेशान कर रहे थे? वाई हैड यू बीन ट्रबलिंग हिम फॉर सम डेज। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और उसके पहचानने के नियम क्या है और उसको बनाते कैसे हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी ये रहा आज के लिए प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस। ये रहा, आप इन सेंटेंसेस को या तो स्क्रीनशॉट लेकर एक मोबाइल में अलग सेपरेट फाइल बनाकर आप इसको सेव कर सकते हैं, या आप नोट्स में लिखकर रोज़ इसका इंग्लिश अनुवाद भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में अगर आपने बनाया है या बनाते हो तो चेक ज़रूर किया करो। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश घर बैठे सीखते रहे, वो भी मुफ्त में। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज़ आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।